500 साल पुराना एक गैयन देवी माता का एक ऐसा मंदिर है जिसके कपाट कभी बंद नहीं होते हैं। हम आपको बता दें कि इस मंदिर के कपाट रात तक खुले रहते हैं, जब तक यहाँ भक्तों का आना जाना बराबर बना रहता है। हमारे साथ हम दिखाएंगे आपको कि पीछे सामने अगर देखेंगे आप मूर्ति तो माता रानी की है, जो भुयन देवी माता है। उनके बगल में अगर आप देखेंगे तो संकटा माता विराजमान है। और इस मंदिर की खास बात ये बता दें आपको कि यहाँ पे जब तक सुबह 5 बजे से भक्त आते रहते हैं और शाम को जब तक मंदिर खुला रहता है भक्त आते रहते हैं, तो यहाँ पे लोग जलाभिषेक भी करते रहते हैं। इस मंदिर में जलाभिषेक तो कंटिन्यू किया ही जाता है, इसके साथ ही यहाँ पर जो भी लोग अपनी मुरादें अपनी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। और जो भक्त यहाँ पे अपनी श्रद्धा भाव से जिस मन्नत को मानते हैं वो यहाँ पे घंटा भी चढ़ाते हैं। इसके साथ ही इस मंदिर के कपाट कभी बंद नहीं होते हैं, खुले रहते हैं। और आपको बता दें कि इस मंदिर का सुबह 5 बजे से समय है, सुबह 5 बजे से रात में लगभग 10-10:30 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है, जब तक यहाँ पे भक्त आते रहते हैं। इस मंदिर की एक खास और भी है कि यहाँ पे डेली रेगुलर यहाँ पे लगभग 1 बजे से भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। तो और भी इस मंदिर की खास बातों को हम जानते हैं यहाँ की जो पुजारी हैं राम दुलारी सैनी जी से, तो आइए चलते हैं उनसे खास बातचीत करते हैं। भुयन देवी जो मंदिर ये स्थित है गणेशगढ़ में, ये कैसे मंदिर देवी यहाँ प्रकट हुई या फिर कैसे आप लोगों को कैसे इसकी इतिहास इसका इतिहास हम बताइए। यहाँ जब जमीन से निकली है इसीलिए इनका भुयन देवी नाम रखा गया, क्योंकि यहाँ पर कोई ताल तलैया होंगी पहले जमाने में, और कम से कम नहीं तो 300 साल की तो हो ही गई हैं। अच्छा, मेरे ही घर का बुजुर्ग लोग शुरू किया कि भाई देखभाल करना, पहले ज़माने में छोटा मोटा सब काम होता था, अब तो बढ़ गया सब कहीं बढ़ा, यहाँ भी बढ़ा, इसीलिए हमारे चौथी पीढ़ी है। और ये मंदिर में मुंडन भी करने आते हैं लोग, और प्रोसीजर्स नहीं होती जो बच्चों की, वो तो बड़े बूढ़े और औरतें ज़्यादा जानती हैं। अच्छा, वो सब होता है, बहू लेकर आते हैं सबसे पहले जब शादी करते हैं तो माता के दर्शन जरूर कराते, वो भी आता है, सब कोई आता है। और यहाँ अष्टमी को 9 दिन तो खूब उत्साह होता है, नवरात का सजावट होती है, और रोज खूब मंदिर के अंदर खूब गाना बजाने होते हैं। शाम को रोज 5 बजे से 8 बजे तक होते रहते हैं, सब औरतें बहुत दूर दूर से भी आती हैं, और सब कार अष्टमी को श्रृंगार बढ़िया होता है सबसे ज़्यादा सोना चांदी का, और जागरण भी होती है, और उसके बाद में दूसरे दिन तीसरे दिन भंडारा होता है, खूब बढ़िया भंडारा होता है, और जो चीज़ें बनती हैं सब चीज़ें बनती है, और खिलाए दरवाजे पर पर्दा उर्दा तान के खूब सजावट करके खिलाया जाता है। बस यही इतिहास है। और हमारी चौथी पीढ़ी है, क्यों कि हमारे लोगों के परंपरा चली आ रही है, और हम हैं, अब हमारी उम्र बहुत हो गई, अब हमारी बहू आएगी 5वें नंबर पर, अब इसके लिए हम मजबूर है, माँ हमको ले तो जाएगी कभी कभी, तो भगवान बुलाएंगे ज़रूर, तो जब तक चल रहे हैं नहीं बहू हैं, हमारे कमलेश भैया आएंगे, छोटा सबसे भैया छोटा है, और हमारी बहू आएगी, और उसके बाद में मेरे पोती पोता आएंगे जब समय आएगा, उसके आगे तो हम जानते नहीं, फिर भगवान ही जाने। बस जैसा आपने दादी बताया कि भुयन देवी जो देवी हैं वो ज़मीन से निकली हैं, तो इनके साथ में हमने देखा कि बगल में जो संकटा माता भी विराजमान है, तो क्या साथ में ही दोनों आई हैं? ये हमें पता नहीं है, मगर पता नहीं अगर निकली हों या बना दी गई हों, भाई एक देवी और बना दो, ये बात और सभी देवी बनी है तो किसी ने रखवाया, कहीं किसी ने रखवाया, दुर्गा हैं, काली हैं, सब दीवारों में बनी है, बजरंग बली है, और विष्णु भगवान है, लक्ष्मी जी है, और नीचे दरवाजे के पास शंकर भगवान है, सभी देवता बना दिए गए, और वहाँ भैरव बाबा हैं, ये तो सब अब जिसका मन हुआ बनवाया, या मंदिर में सभी लोग इकट्ठा हुए या चंदा किया बनाया, ये इतनी बात हमें नहीं मालूम है। हम जब से आ रहे हैं 60 साल से, तब से हम सब देख रहे हैं, सब मूर्तियाँ हैं यहाँ। जैसे कि यहाँ पे हमने जैसे और भी हम मंदिरों में गए हैं, वहाँ पे जो है माता रानी को जल मतलब नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक परंपरा है कि हाँ सुबह से लेके शाम तक यहाँ लोग जल चढ़ाया करते हैं। जल चढ़ाते हैं तो क्या करें, जब खुद ही खास लोग भक्त लोग नहीं मानते हैं तो इसको लोग कोई क्या करें, मोहल्ले वाले भी मजबूर हो जाते हैं कि क्यों यही होता है, और ये बंद होता नहीं 24 घंटा, ये 10 बजे रात को बंद होता है, और काम काज होता तो 11 बज जाते हैं, और नहीं सुबह 5 बजे खुल जाता है और रात में बंद होता है। इसमें ताला वाला नहीं, पर्दे लगाए गए, लोगों की इतराज हुआ कि हम 2 बजे रात को निकलते हैं तभी दर्शन करके जाते हैं, इसलिए कुछ नहीं होता है,
ताला आला पड़ा कि दूर से पूजा की जाए, मगर नहीं नहीं हुआ, सब बेकार हो गया। तो अब फिर वही परंपरा पैसे चल रही थी, वो चल रहा। जैसे कि आपने बताया कि लोग नहीं मानते, जल चढ़ाते हैं, तो इनका श्रृंगार कब करती हैं आप? श्रृंगार हम करते हैं 6 बजे से और 10 बजे तक चलते, रात में चलता, सुबह उठता है। कपड़े वपड़े पहनाते हैं, मुँह में पाउडर वाउडर लगा देते हैं, नाली लगा देते हैं, बिंदी लगा देते हैं और वही सब सज जाती है और वही फिर रात भर रहता है, जो जला करती है छोटी सी, और सुबह जो आता है 5 बजे खोलने, वो अपनी पूजा भी करता है, सब निकाल कर देता है। आप जैसे हमने यहाँ पे ये भी सुना है कि यहाँ पे लोग अपनी जो मान्यता पूरी होती है तो अपनी जबान काट देते हैं, तो क्या ऐसा भी रिवाज? अरसा हो गया, कहीं मेरी ननिया सास थी, कहीं अरसा हो गया, 100-150 साल हो गया होगा तो किसी ने काट दिया होगा, मगर ये पता नहीं चला, ज़्यादा ज़्यादा इसका प्रचार नहीं हुआ। अब पहले जमाने में लोग कभी कभी आते थे, ज़्यादा पब्लिक भी नहीं थी, ज़्यादा पूजा भी नहीं था, तो कोई जाना तो जाना, तो ये सुना था कि फिर हमारी ननिया सास ने चारों तरफ बंद कर लिया, पुलिस वुलिस आई होगी तो बंद कर लिया, तो माता ने उनको पूरा कर दिया, बस ये है सुना। और कोई ख़ास बात भैया, हम लोग अभी नए हैं, पुराने लोग जानते थे, वो लोग तो सब मर गए, तो किसका कौन बताएगा, इतनी बात हम सुना। 60 साल जिससे आपने कहा कि यहाँ पे आप सेवा कर रही हैं, तो आपकी उसमें अभी कभी नहीं हुआ ऐसा? नहीं नहीं, अब नहीं होगा, उनको लगता अब नहीं होगा, आई सब कलयुग है, तुम भी सत्य कहाँ सत्य सत्य। यहाँ हमने ये भी सुना है कि यहाँ पे जिनकी मन्नत मानते हैं पूरी होती है, तो लोग घंटा एक मतलब घंटा मानते हैं, मन्नत पूरी हुई भगवान के मन कि किसी का पूरा हो गया तो वो मन्नत करते हैं, जैसे सुहाग का सामान चढ़ा दिया, साड़ी चढ़ा दिया, घंटा बांध दिया, यही सब करते हैं, जिसकी जो श्रद्धा होती है वो पूजा कर लेता है। अच्छा, मानता क्या, जब दिल से मानेंगे किसी चीज़ को और उसी पर निर्भर हो जाएंगे तो पूरा होएगा जरूर, बस भरोसे पर दुनिया चल रही है, इसीलिए विश्वास है तो सब कुछ है। दादी जैसे और मंदिरों का टाइम है 12 बजे बंद कर देते हैं मंदिर को, लेकिन हमने देखा है यहाँ पे कि बंद नहीं करते मंदिर, क्यों? खुला दरबार इसका नाम है, खुला दरबार, बंद होने का कोई खाली कोरोना हुआ था तब बंद हुआ था, फिर भी चुप्पे से कोई खोल देता था या चुप्पे से कोई कर लेता था, पैर छू लेता था, लगा था क्या? ताला लगा था, मगर फिर मजबूरी में कोई कोई कर दे कि चुप्पे चले आवें तो क्या किया जाए, बहुत मजबूरी से खोल देते, पैर छू ले भाग जाए, जल्दी भाग जाओ भाई, ये होता था, मगर बंद रहता था, मगर हम ज़रूर आते थे, हम आते थे, अंदर बैठ जाते थे, अब जो कि मैं दर्शन करते थे, और फिर जब हम 4 पैसे के लिए बैठे हैं तो कोई चढ़ाई भी देता था तो सब्जी साग भर का पा जाते थे, तो भाई आते जरूर थे, हम झूठ के उन्होंने मंदिर में बैठ के झूठ बोलेंगे। अच्छा, कोई कोई कहता था ना बूढ़ी और कुछ हो जाएगा, तो हम कहे माता साथ में हमारे हैं, हम कुछ नहीं हुआ, खैर माता की दया हमारे कुछ नहीं हुआ, हम आए जरूर, आए और बैठे और सबसे मिले, बहुत लोग कहा घर में रहा करो, तुम ना आया करो, बहू भेजो भेजो, मगर हम आते थे यूँ, अब बहू आए तो हमसे फ़र्क है, हमारी हिम्मत और थी, उनकी हिम्मत और है, हम आते थे, कोई बात ही नहीं, अब इनको बच्चे छोड़ के हमें और वो भी सब्जी साग भर का पामें, तो हमारा तो ये माता का दरबार है, सेवा करते हैं, सेवा है हमारी, और जो माता देती वो खाते पहनते, इसी से हमारा चल रहा सब, और भी बच्चे नौकरी ना करें तो कुछ ना हो, मगर मैं नाम तो हमारे इन्हीं की रहते हैं कि इन्हीं से मेरा चल रहा, इन्हीं का जो पैसे गए तो मेरे बरकत हो गई, और मेरे बच्चे अभी एक ही लड़का, एक तो लड़का मेरा मर गया बड़ा, एक ही लड़का है, अब वही जो कुछ कमाता है प्राइवेट में, जो कुछ भी कमाता है उसी में कोई तरह पूरा कर देते, वो माता पूरा कर देती कोई तरह, इधर से उधर से चल रहा सब, बस यही हमारी मानता है, और हमारी सेवा इतने दिन से चल रही, अब इन्हीं के भरोसे हमारे, और यहाँ कमेटी और यहाँ समिति कभी नहीं थी, अब अपने मन से बन गए, एक अकेले मालिक बन गए, तो कह रहे हैं कमेटी है, वो जागरण नागरण में लोग आवाज़ देते ना, कमेटी वाले आओ, समिति वाले आओ, तो वो कहने से और करने से फर्क है बेटा, रजिस्टर होते हैं सब, जब कुछ है नहीं रजिस्टर न 5 आदमी तो कैसी कमेटी, कोई कहता कमेटी उनका कैसी कमेटी, हम लोग थे हमेशा, अब नए नए बने, जो बात सही है वो माता के सामने कह रहे हैं, अब तुम सेवा कर रहे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो तो करो भैया, ठीक है अच्छा है, हमारा जो 2 पैसे हैं ये हमको दो बस खत्म। देखो है ना, अब जहाँ जहाँ आदमी का पैसा होता है तहाँ सभी घुसते हैं, जहाँ पैसा नहीं वहाँ मंदिरों में कोई झाँकने नहीं जाता है, मगर हम लोगों को तो परंपरा इसी जगह, हम कहाँ झाँकने जाएँ, कहाँ मैं रस्ता है, कोई कहता कुछ कहने दो,
जब तक। तो मतलब यहाँ पे और मंदिरों की तरह कोई कमेटी नहीं है, आप अकेले इस मंदिर संभालती हैं? हमारे परिवार आते थे, पहले नानी के परिवार आते थे, उनकी बहुएं बहनें बहुएं सब सभी लगी रहती थी पीछे आगे। अब जो नहीं था तो हम अकेले थे, अब हमसे हमारी हिम्मत नहीं है तो हम बहू भेजेंगे अकेले। हिम्मत सुबह से 9 बजे तक कोई बहू भी घर गृहस्थी छोड़ के कैसे रहेगी, बच्चों को नहीं देखेगी क्या? अरे पढ़ाएगी लिखाएगी। तो हमारी बहनों के बिटिया लड़का आते हैं, हमारी लड़कियां जो दूर दूर भी आई हैं, नहीं मेरे भी 4 लड़कियां देखने वाली, मगर जब दूर हैं तो कैसे आएंगी? यहाँ की बहन हमारी बहन की लड़कियां हैं वो आती मेरी मदद करने आती हैं, अच्छा है तो मंदिर मेरे से मेरे हक में है। अब ऐसे ज़बरदस्ती कोई करे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस तो दूसरी बात है, और नहीं तो कुछ ना कुछ तो माता हमारा साथ देती है। अब बहुत लोग बवाल किया, कुछ नहीं हुआ, अब सब चल लाठी। भंडारे की एक हमने सुना यहाँ पे कि रोज भंडारा होता है, इसके बारे में बड़ी बात अभी बट गया देखा नहीं, रोज आना। अब हमारा मन है, कभी हमारे मन में आया कि हम पैसे भगवान दे रहे हैं तो हम गरीबों को खिलाएं, तो गरीब का जब भोग लगता है तो प्रसाद है तो अमीर भी खाता है, सभी खाते हैं, जबरदस्ती ले भी जाते हैं ले लेके, सब भंडारा होता है। यहाँ कढ़ी चावल दोपहर में पड़ती, अब हमारा मन आया कुछ बांटने लगे, अच्छा उसके बाद में शाम को बड़े बड़े कारी पैकारी हैं सब हैं, सब दुकानदार हैं, सब बोरे चावल दे जाएँ, घी दे जाएँ, सब दे जाएँ। अब कुछ कम होता है तो मंदिर में गल्ला में पैसे बहुत आते हैं, उससे लग रहा है, बस यही मानता है, यही सब कुछ है। डेली मतलब यहाँ भंडारा होता है डेली? टाइमिंग क्या है? समय क्या है? समय सुबह 1 बजे कड़ी भात बढ़ता है और शाम को 9 बजे के बाद आरती के आरती होती है 8:30 बजे। तो जब आरती ख़त्म हो जाती है तो भंडारा उठा लाते हैं भगोना, तहरी बांटते हैं सबको तस्तरी में, कोई आदमी बांटने लगता है, इसमें कोई बात ही नहीं। अच्छा दो मतलब दो टाइम में बांटा जाता है भंडारा? दो टाइम में बांटा जाता है। और मंदिर मैया का मन तो जो भी अरे खाना भी खाता है, जो खाया हुआ है वो भी प्रसाद खा लेता है, और गरीब तो खा ही लेता है जरूर, इसीलिए बटता है तो जिसके भाग्य में होता है वो खा लेता है, सब खाते हैं, बड़े बड़े खाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने पंडित राम दुलारी सैनी जी से खास बातचीत की, उन्होंने गणेशगंज स्थित भुइयन देव मंदिर के बारे में इतिहास के बारे में बताया। उनका कहना है कि ये मंदिर सुबह 5 बजे से शाम को रात में जब तक भक्त आते हैं तब तक ये मंदिर खुला रहता है, और यहाँ पर माता रानी के ऊपर जलाभिषेक भी दिन भर होता रहता है। और अगर बात करें इसकी मान्यता की, तो इसकी मान्यता ये भी कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से अपनी मुराद मांगता है उसकी मुरादें ज़रूर पूरी होती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ मनु तिवारी, वी न्यूज़ लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।